बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी सीटेट दिसंबर 2022 की बहुत तेजी से, बहुत अच्छे ढंग से धमाकेदार तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले बहुत सी क्लासेस हो चुकी हैं, आप उस पर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके, और चैनल को सब्सक्राइब करिए आप लोग, और शेयर करिए, लाइक करिए, खूब अच्छे से सपोर्ट करिए, ताकि हम आपके लिए अच्छे से काम करते रहें। ठीक है, चलिए, इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने शिक्षण विधियों के पार्ट वन को देखा था, अब हम लोग शिक्षण विधियों के पार्ट टू को देखेंगे। शिक्षण विधियों का मतलब क्या है, किस तरीके से, किस मेथड का प्रयोग करके शिक्षक प्रभावशाली ढंग से अपनी बातों को, सिलेबस को या जीवन से संबंधित बातों को बच्चों तक पहुंचा सकता है। ठीक है, तो शिक्षण विधियां पार्ट टू, शिक्षण विधियों के पार्ट टू में हम शुरुआत करते हैं सबसे प्रसिद्ध विधि, जिसे हम कहते हैं अनुकरण। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, अनुकरण विधि को हम देखते हैं। अनुकरण विधि ये कहती है कि अनुकरण विधि का प्रयोग सामान्यतः भाषण वाचन हेतु किया जाता है, मतलब बच्चे बोलते समय सबसे पहले भाषा को अनुकरण विधि के द्वारा ही सीखते हैं। विद्यार्थी अपने शिक्षक का अनुकरण करने कर अपने भाषण कौशल को विकास करते हैं। इस प्रक्रिया में विद्यार्थी व्याख्यान में स्पष्टता आती है। जब हम अपने टीचर की, अपने माता पिता की कॉपी करते हैं, नकल करते हैं, तो हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं। नकल करना, देखिए, नकल करना बुरी बात नहीं है, है ना, लेकिन अच्छे कामों के लिए। एक विधि, इस विधि द्वारा एक बालक पढ़ना, लिखना, अच्छे उच्चारण करना भी सीखता है, है ना, नवीन ढंग से रचनाएं करना सीखता है, बहुत कुछ वो अनुकरण विधि के द्वारा प्राप्त कर सकता है एक बालक। ठीक है, तो अनुकरण विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, इसमें ऐड रखिएगा कि भाषा का प्रयोग या भाषा की जो लर्निंग होती है, बालक सबसे पहले अनुकरण विधि के द्वारा ही सीखता है, फिर खेल विधि के द्वारा उसे विकसित करता है। ठीक है, अनुकरण विधि के बाद आप देखिए मारिया मोंटेसरी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, फ्रॉबेल का रिफॉर्म रूप थी ये, फ्रॉबेल के किंडरगार्टन में सुधार करके इन्होंने मोंटेसरी विधि को दिया था, मारिया मोंटेसरी विधि, जो इटली की रहने वाली थी। ठीक है, मारिया मोंटेसरी इटली की एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थी, जिनके नाम से शिक्षा मोंटेसरी पद्धति प्रसिद्ध होती है। यह पद्धति आज भी कई विद्यालयों में प्रचलित है। यह 2.5 वर्ष से 6 वर्ष, अमूमन आपको 3 से 6 वर्ष दिया जाएगा। ठीक है, अमूमन आपको 3 से 6 वर्ष दिया जाएगा, बच्चों के प्रयोग में लाई जाती है, जो किसके लिए है, मंद बुद्धि के बालकों के लिए, खेल के द्वारा सिखाना, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सिखाना, खेल और ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों पर बल दिया गया है। मोंटेसरी ने किस पे बल दिया है, कर्मेंद्रियों की शिक्षा पे। मोंटेसरी ने किस पे बल दिया है, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, मतलब हाथ पैर, हाँ, जो भी अंग हैं, ज्ञानेंद्रियों को छोड़कर, नाक कान आंख मुंह जीभ त्वचा को छोड़कर के जो कुछ भी है उसे हम कर्मेंद्री कहते हैं, बाकी 5 विशेष अंगों को हम ज्ञानेंद्री कहते हैं। और ये विधि स्वतंत्रता पर आधारित है, है ना, खेल पर आधारित है। ये सारी चीजें आपको पढ़ना चाहिए। इसका विकास डॉक्टर मारिया मोंटेसरी द्वारा रूस विश्वविद्यालय में मंद बुद्धि के बालकों की चिकित्सा हेतु, उनकी शिक्षा हेतु किया गया, जो कुछ समय पश्चात सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी उपयोग में लाई जाने लगी। तो ये बातें हमने आपको बताई मारिया मोंटेसरी के बारे में, इसको आप पढ़ लीजिएगा, पक्का आपको यहाँ से प्रश्न मिलने वाले हैं। अब है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड आप देखिए, इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है, अर्थात भाषा के माध्यम से ही भाषा सिखाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा, इस विधि को मौखिक अभ्यास पर अधिक जोर दिया जाता है, मतलब इसमें ओरल लर्निंग पर ज्यादा बल दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि बालक दूसरी भाषा का ज्ञान अनुकरण द्वारा पृथक भाषा की तरह सीख सके, मतलब दूसरी भाषा को वो अनुकरण विधि से सीख सके, अनुकरण विधि से क्या कर सके, सीख सके, किसमें, प्रत्यक्ष विधि में। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए यदि किसी कोई शिक्षिका किसी बालक को भाषा सिखा रही है, तो वो निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग कर रही है, तो आप सीधे सीधे क्या बताएंगे, वो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रही है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आगमन विधि। आगमन विधि को हम विश्लेषण विधि भी कहते हैं। इसमें जिस सूत्र को हम फॉलो करते हैं उसे हम कहते हैं विशेष से सामान्य की ओर, या इसी विशेष को हम उदाहरण कहते हैं और सामान्य को सिद्धांत या नियम कहते हैं। इट मींस इसमें आगमन विधि में हम उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। ठीक है, इसे विश्लेषण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। यह विधि
सर्वप्रथम विषय वस्तु से संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उसके पश्चात उदाहरणों के आधार पर नियम स्थापित किए जाते हैं, जो बात मैंने अभी आपको बताया। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सा आगमन विधि के लिए सही कथन नहीं है, ऐसा प्रश्न आपसे सीटेट में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये छात्र केंद्रित विधि है, सही बात है। यह शिक्षण विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर, जो मैंने अभी आपको बताया, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। हाँ, स्थूल का मतलब होता है मूर्त और सूक्ष्म का मतलब होता है अमूर्त। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी ये कार्य करती है, याद रखिएगा। इस सूत्र को ध्यान में रखिएगा, पक्का प्रश्न आपको मिलेगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर, है ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर। सर, जो उदाहरण दिए जाते हैं वो ज्ञात होते हैं और जो नियम बताया जाता है वो अज्ञात होता है, तो ये बात तो वहीं सीखी गई है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। स्थूल का मतलब क्या होता है, मूर्त, और अमूर्त मतलब सूक्ष्म। तो सारी चीजें एक दूसरे से संबंधित है। सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर का होना, जो उदाहरण दिए जाते हैं सर वो सरल होते हैं, जो नियम बताए जाते हैं थोड़ा सा व्यवहारिक नहीं होते तो वो कठिन लगते हैं। ठीक है, तो इन इस पक्ष को जरूर आप याद रखिएगा, किसमें, आगमन विधि में, ये एग्जाम पॉइंट है। ओके, चलो आगमन विधि हो गई। अब हम आगमन विधि के बाद आपसे बात करते हैं निगमन विधि की। आगमन का शत्रु है निगमन, ठीक है। जितना आप आगमन में पढ़े हो सब उसी का उल्टा कर लो, उसी को हम क्या कहते हैं, निगमन विधि कहते हैं। फिर भी आइए देखिए, हम इस पे चर्चा थोड़ी सी करते हैं। हमने कहा, ठीक है, इस विधि को सूत्र प्रणाली या संश्लेषण विधि के नाम से भी जाना जाता है, उसे विश्लेषण विधि के नाम से जाना जाता था। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियम का ज्ञान कराया जाता है, फिर उसके बाद उदाहरण दिया जाता है, आगमन का उल्टा। और ये जो विधि है ये शिक्षक केंद्रित है, जबकि आगमन विधि क्या थी, बालक केंद्रित थी। ठीक है, यह विधि छात्रों के अध्ययन प्रमाण के प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, है ना, प्रत्यक्ष की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर काम करती है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, जबकि आगमन में क्या था, स्थूल से सूक्ष्म था। विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन में था, इसमें क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, है ना। उसमें आगमन में क्या था, ज्ञात से अज्ञात की ओर, उदाहरण ज्ञात थे, नियम अज्ञात था, इसमें क्या है, अज्ञात से ज्ञात की ओर हम चलते हैं, इसमें हम नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। प्लीज इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये एग्जाम की दृष्टि से जितनी बार मैं इंपॉर्टेंट लगा सकूं उतनी बार इंपॉर्टेंट है आगमन और निगमन विधि, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। ओके, चलिए, प्रयोजना विधि क्या है, पर्पज मेथड क्या है। इस विधि को जॉन डीवी की अवधारणा पर आधारित है, किंतु यह विधि विचारधारा को विकसित करने के लिए उनके श्रेष्ठ शिष्य किलपैट्रिक के द्वारा की गई। मतलब जॉन डीवी के एक शिष्य थे किलपैट्रिक, उन्होंने ही इस विधि को जन्म दिया। इस विधि द्वारा एक विद्यार्थी अपनी रुचि, अपने पाठ्यक्रम, अपनी विषय वस्तु, अपनी क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करते हुए सीखता है और अधिगम करता है। कहने का मतलब, जिस विषय में उसकी रुचि होती है, जहां उसका इंटरेस्ट होता है, उन्हीं विषयों को वो सीखता है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है। किलपैट्रिक के अनुसार ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको ये भी इशारा करते चलता हूं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोजेक्ट विधि, आप इसको पढ़ लीजिए, या विधि, इस विधि के अनुसार विद्यार्थी अपनी समस्या का हल स्वाभाविक रूप से खोजने की कोशिश करता है और उस समस्या का हल भी करता है प्रोजेक्ट विधि में। ठीक है, यह बाल केंद्रित है। इस बात को आप याद रखिएगा कि जो प्रोजेक्ट विधि है वो कैसी है, बाल केंद्रित है। ठीक है, यह विधि विद्यार्थी सक्रिय क्रियाशील रहते हैं, समूह में रहकर किसी कार्य को करना सीखते हैं, आत्मविश्वास का भी जन्म होता है। ओके, अब देखिए समस्या समाधान विधि, यहां से आपके सीटेट में पक्का प्रश्न आते हैं और आप पेपर उठा के देख लीजिए, 27 दिसंबर वाला, दो प्रश्न आपसे समस्या समाधान से पूछे गए हैं। ठीक है, समस्या समाधान का मतलब यह होता है बालक अपनी समस्या का समाधान स्वयं करना कब सीखता है। यह विधि करके सीखने पर आधारित है। ठीक है, यह विधि किस पर आधारित है, करके सीखने पर, सिद्धांत पर कार्य करती है। इस विधि द्वारा छात्रों में समस्या को हल करने की क्षमता का विकास होता है। वाह, है ना, इस विधि में छात्रों के अंदर समस्या को हल करने की क्षमता का विकास होता है, जिसके द्वारा उनमें चिंतन और तर्क शक्ति का भी विकास होता है। सो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समस्या समाधान विधि विद्यार्थियों को समस्या को स्वयं से हल करना सिखाती है। गुड, उसमें प्रशिक्षण प्रदान करती है, उसमें ट्रेनिंग प्रदान करती है। यह एक मनोवैज्ञानिक एवं सक्रिय विधि है, क्योंकि इस विधि में विद्यार्थी क्रियाशील रहकर कार्य करता है, निष्क्रिय होकर कार्य नहीं करता है। समस्या समाधान विधि, डाल्टन विधि क्या है, डाल्टन इसके जनक है,
है ना, कुमारी हेलन पार्क के नाम से भी जाना जाता है। डल्टन विधि को 1912 में अमेरिका के शिक्षार्थी थे, ये 8 से 12 वर्ष के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको आप अपने से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। डाल्टन विधि के बाद आती है व्याख्यान विधि, या सबसे पुरानी विधि है, इसमें शिक्षक सक्रिय होता है, बालक निष्क्रिय होते हैं, गुरुकुल पद्धति कहते हैं, इसमें समय कम लगता है, खर्च कम आता है, बच्चे को खूब व्याख्या कहानी किस्सा सुनाते रहते हैं व्याख्यान विधि में, ठीक है। आइए इस तरीके से हमने बहुत जल्दी से आपका बहुत कम समय लेकर के मेन मेन शिक्षण विधियों को पढ़ा है ना, समझा, इसको आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, पार्ट वन भी देख लीजिएगा, पार्ट टू भी देख लीजिएगा, और दोनों से आपका शिक्षण विधियों से आने वाले प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, एक नए कंटेंट के साथ, बहुत अच्छा कंटेंट लेकर के आएंगे। अधिगम अक्षमता एक वीडियो बनाना है, और एक क्लास आपको गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत पर लेना है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।